उत्पादन में आत्मनिर्भरता की बात करें, क्योंकि आज़ादी के आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, इसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य देखे जब मैं वो ये है कि हम लोग अपने पैरों से आत्मनिर्भर होना है, चाहे वो खाद्यान्न की दृष्टि से हो, चाहे वो वैल्यूएशन की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारे संसाधन की उपलब्धता की दृष्टि से हो, इन सब माध्यम से उस परिवेश में ये जो अगला हमारा मौका है, ये बड़ा मतलब शुभ अवसर है। और उस महोत्सव के अंदर इतना माननीय मोदी जी आज इतने कुछ किसानों से बातचीत करेगी, तो उसका भी लाइव टेलीकास्ट होगा। तो अभी 11 बजे से वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मैं आप लोगों को हमारा ये क्या नाम है ये आज हमको अभी तो 11 स्लाइड हमें भेजी है, वो कौन कौन सी रहती है, कौन कौन सी जात है जिसको आज वो यहाँ पे जिस पर वो इम्पोर्टेंट लेंगे, और कौन कौन सा पार्टी सिस्टम, मतलब कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन सी जगह पे, कौन कौन से पार्टी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी यहाँ पे दे रखे। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है, धीरे धीरे हर दिन हर साल कुछ ना कुछ जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, कभी बरसात ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी होती नहीं है। तो हमारे खेतों में लोग बहुत परेशान हो गए, ज़्यादा बरसात हो गई तो हमारी फसल खराब हो गई, कम हो गई तो उठी नहीं। ये इसको देखते हुए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ऐसे में 11 हम लोगों ने स्लाइड बनाई है, जो हमारे पास ऊपर से राज्य सरकार भारत सरकार ने भेजी है, उसका हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कौन कौन सी चीज़ों में क्या क्या काम हो रहा है, और क्या हम उस तरीके से कुछ चीज़ों को अपने यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या। जैसे मुझे पता है कि इसमें कॉन्क्रीट मतलब आप लोग वाली रोगरोधी किस्मों का विकास किया गया है, जलवायु अनुकूल धान की किस्में विकसित की गई है, जो रोग तथा खरपतवार नाशक प्रतिरोधी होने के साथ साथ क्षारीय भूमियों के लिए भी उपयुक्त है। अधिक प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन वाली गेहूं, बाजरा एवं मक्का की किस्में इस कड़ी में शामिल है। किनोवा खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाला ये हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम है। ये नई वैरायटी मौसम की कई तरह की चुनौतियों से निपटने में सक्षम तो है ही, इनमें पौष्टिक तत्व भी ज्यादा है। इनमें से कुछ वैरायटी कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए है, कुछ क्रॉप गंभीर रोगों से सुरक्षित है, कुछ जल्दी तैयार हो जाने वाली है, कुछ खारे पानी में भी होती। आपको मेरा नमस्कार, और मैं आपसे सुनना चाहूंगा आपके बारे में। पहले सर, मैं जैतून बेगम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हूँ। मुझे बताया गया कि आपके क्षेत्र में चारे की बहुत कमी है, आपको कितने दिक्कत होती है, और आपको गाय भी रखती है, दूध का भी काम करती है, आपने छोटी सी जमीन में एप्पल का भी किया है, मुझे बताया गया कितना आप धान की भी खेती करते हो, छोटी सा जमीन का प्रकार भी लेने होगा, और पशु है लेकिन चारे नहीं है, कैसे करते हैं सर? मेरे इलाके में चारे की बहुत ही कमी है सर, तो इलाके में करीबी जंगल से सर हम घास व दातू के पत्ते हमारे यहाँ भेदों को किसान है, दिन रात काम करने वाला है, मगर हमारा एक ही प्रश्न है, गुजरात राज्य में सबसे जो कमा के ऐसा कमा के जो गुजरात राज्य में उसमें फिर भी हम लोग आपके माध्यम से कह रहे हो, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल से बात है तो हमारे वही सत्र भी वही काम कर रहा है, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर कच्छ जिला में
तो कचबिला एक हरियाली बन जाएगा, जैसे कचबिला में सब कुछ है।